वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकवॉक पे। आज हम दोबारा एक कंपैरिजन आपके सामने लेके आ चुके हैं। एक तरफ है विकफिट मैक्स और एक तरफ है ज़ेब्रोनिस की ज़ेबफिट 1220CH। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है और आपके लिए कौन सी वॉच बेटर रहेगी 2021 में। एक मॉडल मार्च में रिलीज हुआ था और एक मॉडल ये फरवरी के साइड में रिलीज हुआ था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक तरफ कॉलिंग, अगर आपको कॉलिंग वॉच चाहिए तो विकफिट मैक्स की तरफ या सेंस 500 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं। बट अगर आपको फिटनेस वॉच चाहिए तो ज़ेब्रोनिस की तरफ आप टेक अ लुक कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पता करेंगे कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर है, बिल्ड क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कोई वॉच बाय कर रहे हो तो विकफिट मैक्स में आपको 1.69 इंचेस की TFT IPS डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिजोल्यूशन 240x280 पिक्सल्स का है। ऑन द अदर हैंड ज़ेब्रोनिस में आपको जो रिजोल्यूशन है वो ज्यादा मिलता है, बट यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे IPS पैनल का यूज नहीं किया गया, 1.5 इंचेस की TFT डिस्प्ले यूज करी गई है, और कहीं ना कहीं यही मेरे को थोड़ी सी कमी लगी। ओवरऑल ज़ेब्रोनिस की वॉच मेरे को बहुत ही बेटर लगी। जितनी वॉच मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग की है, रिव्यू की है, तो ज़ेब्रोनिस की जो बिल्ड क्वालिटी मेरे को जबरदस्त लगी थी। बट यहाँ पे जो थोड़ी सी ब्राइटनेस और दे देते ना ज़ेब्रोनिस वाले, तो ये अमेजिंग वॉच होती है 2021 की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेस टू वेक। दोनों ही वॉचेस में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, किसी में भी आपको नहीं मिलता है, ये आपको माइंड रखना पड़ेगा। और जो प्रोटेक्शन की बात अगर हम करें, यहाँ पे दोनों में ही 2.5D कर्व ग्लास यूज किया गया है, और गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर टेम्पर्ड ग्लास है ये एक्जैक्टली नहीं बताया किसी भी ब्रांड ने, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे ज़ेब्रोनिस और टेक्स्ट की शार्पनेस थोड़ी सी कम है, 226 पर पिक्सल डेंसिटी है, और विकफिट मैक्स में 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो ज़्यादा है विकफिट मैक्स में एज कम्पेयर टू ज़ेब्रोनिस। और जो पीक ब्राइटनेस है वो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा, विकफिट मैक्स की मेरे को सबसे बेटर लगी अभी तक जितनी भी वॉचेस मैंने रिव्यू की है, अनबॉक्सिंग की है, तो विकफिट मैक्स की जो पीक ब्राइटनेस अच्छी खासी है, और धूप में भी अच्छी खासी विजिबिलिटी होती है। इवन ये सेंस 500 को भी थोड़ा सा सरपास कर जाती है, आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे विकफिट मैक्स की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेटर है इस प्राइस सेगमेंट में। 4500 के अंदर अंदर आने वाली वॉचेस में विकफिट मैक्स की जो ब्राइटनेस है वो बेटर है सारे वॉचेस से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेसेस सपोर्ट के बारे में। तो विकफिट मैक्स और ज़ेब्रोनिस में दोनों में ही आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस इंस्टॉल करने का मौका मिलता है। आप बहुत सारे वॉच फेस लगा सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे 30+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आपको विकफिट मैक्स में मिलते हैं, और ज़ेब्रोनिस में आपको 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं। तो आप आराम से वॉच के साथ आराम से न्यू वॉच फेसेस को लगा के अपनी डेली बेसिस की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो इनबिल्ड 6 वॉच फेसेस हैं उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हो, मतलब जो 6th वॉच फेस है उसको आप गैलरी में से किसी भी में से रिप्लेस करके आप एज अ वॉच डायल लगा सकते हो। तो ये भी प्लस पॉइंट दोनों में ही मिल जाता है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं, आपकी अपनी फोटो भी आप एज अ वॉच डायल लगा सकते हो। दोनों ही वॉचेस में वो चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पे हम बात करेंगे फिटनेस एक्टिविटीज़ का स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो विकफिट मैक्स में आपको 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, ज़ेब्रोनिस में हालांकि आपको 12 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, क्योंकि वो फिटनेस वॉच है, कॉलिंग वॉच है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा देखने के लिए। IP67 दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट हैं, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग की रेटिंग नहीं मिलती है आपको, आप स्विमिंग के लिए लेके नहीं जा सकते हो। 1.5 to 3 meter तक आप पानी में इसको सबमर्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप इसको स्विमिंग के लिए लेके जाओगे तो वॉच खराब हो सकती है, थोड़ा सा स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंट ही हम इसको कहेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो स्टेप्स काउंटिंग है और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग की एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी कंसिस्टेंट वे में ये मेजर करता है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है आप सभी को। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है सारे के सारे अवेलेबल हैं। 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर है, और साथ में जी सेंसर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, इसमें कटौती नहीं करी गई है। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जिसकी विकफिट मैक्स में आप कॉलिंग फीचर का इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल मिला सकते हो, आपको फोन बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, और कॉल को रिसीव भी कर सकते हो, डायल भी कर सकते हो वॉच से ही। बट आपको जो नोटिफिकेशंस हैं और जो अलर्ट्स हैं वो सारे के सारे वाइब्रेशन के थ्रू ही यहाँ पे रिसीव होने वाले हैं। यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो। ज़ेब्रोनिस में भी आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है। और यहाँ पे कॉलर आईडी, कॉल म्यूट को रिजेक्ट भी, कॉल को म्यूट और रिजेक्ट कर सकते हो, ज़ेब्रोनिस में भी कर सकते हो। बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ विकफिट मैक्स में एग्जैक्ट कॉलर आईडी नहीं आप असाइन कर सकते, मतलब अभी एक अपडेट का आना जरूरी है, अभी अपडेट नहीं आया विकफिट मैक्स में, जिसके थ्रू आपको अगर आपने नाम सेव भी कर रखा है तो यहाँ पे नाम शो नहीं होता, आपका नंबर शो होता है वॉच में। बट ज़ेब्रोनिस में ऐसा नहीं है, ज़ेब्रोनिस में कॉलर आईडी प्रॉपर दिखाता है और नाम दिखाता है कॉलर का, या आप डायल भी कर रहे हो तो यहाँ पे भी दिखाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे
फुल टच डिस्प्ले मिलती है दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है, यूआई में कोई स्टटर लैग नहीं मिलता है, ये भी प्लस पॉइंट आपको मिलता है। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है, तो 10 मीटर तक की रेंज यहाँ पे आपकी कंफर्म हो गई, बट यहाँ पे 7-8 मीटर प्रैक्टिकल में ये रन करती है, कोई भी डिस्कनेक्शन इश्यूज नहीं आते हैं। और कैमरा, म्यूजिक, शटर बटन आपको मिल जाता है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में, तो ये प्लस पॉइंट दिया गया है आपको। साथ ही में यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा मेरे को, फाइंड माई फोन का ऑप्शन देना चाहिए था। ऑल दो वॉच में नहीं है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, मतलब वॉच में जाके आप अपनी वॉच को फाइंड कर सकते हो, फोन को फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, और यहाँ पे एंड्रॉइड और iOS से दोनों को ही पेयर कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। आप चाहे एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो, iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हो, आप एप्लीकेशन का फीचर का मजा उठा सकते हो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में। बिटफिट मैक्स थोड़ी सी आगे निकल जाती है, 128 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 64 MB ऑफ रैम मिलता है। ज़ेब्रॉइस में आपको 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है और 32 MB ऑफ रैम मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो विकफिट मैक्स में आपका जो यूआई है वो iOS की तरह पूरा का पूरा आपको मिलता है, जो कहीं ना कहीं iWatch से इंस्पायर्ड है। और ज़ेब्रॉइस में आपको ज़ेब्रॉइस का कस्टम यूआई मिलता है, तो ये भी स्मूथ है, दोनों ही स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे सिंगल आपको बटन मिलती है, जिसके थ्रू आप सारे के सारे जो होम स्क्रीन पे जाना है या बैक जाना है उसके थ्रू कर सकते हो, और दोनों में ही फ्लश मिलती है, मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, आप वर्कआउट करते टाइम भी आपकी वो बटन प्रेस नहीं होगी। यहाँ पे गेस्चर्स का यूज कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स काम करते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी कहीं ना कहीं मेजर रोल ये भी प्ले करती है, अगर जैसे डिस्प्ले प्ले करती है रोल मेजर, बैटरी भी प्ले करती है। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और जो स्टैंड बाय टाइम है बहुत ज्यादा डिफर करता है। यहाँ पे विकफिट मैक्स की 7 डेज तक स्टैंड बाय टाइम देती है, और ज़ेब्रॉइस की आपकी 30 डेज तक स्टैंड बाय टाइम देती है। यहाँ पे बैटरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे विकफिट मैक्स में ऑल दो कॉलिंग फीचर के बावजूद यहाँ पे जो बैटरी है कम मिलती है आपको, और 240 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है। ज़ेब्रॉइस में आपका 200 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है विकफिट में 3 डेज का रन टाइम, और ज़ेब्रॉइस में 7-8 डेज का रन टाइम क्लेम करती है। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कौन सी वो ज़्यादा चलती है। चार्जिंग टाइप यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है, डॉक चार्जिंग आपको ज़ेब्रॉइस में मिलती है, विकफिट में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है। एक्चुअल में अगर हम बात करें यहाँ पे 72 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 डेज तक आपकी चल जाती है विकफिट मैक्स, अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो आप, ब्लूटूथ को कट डाउन कर दो डायरेक्टली तो। और यहाँ पे 24 आवर्स तक ये आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आप ऑन रखते हो और सारे के सारे कॉल्स भी रिसीव कर रहे हो, तो 24 आवर्स तक आपकी वॉच चल जाएगी। एज ऑफ नाउ मेरे को इतना ही मिल रहा है, 20 से 22 इस तरीके से मिल रहा है विकफिट मैक्स में। ज़ेब्रॉइस की अगर हम बात करें 3 से 3.5 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, ये आर्स लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, 3-3.5 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है यहाँ पे ज़ेब्रॉइस की वॉच में, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज़ेब्रॉइस की फिटनेस वॉच है तो यहाँ पे ज्यादा आपकी बैटरी चलती है। सो बात करते हैं मेन फीचर्स की, यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे मेन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट स्कैनर आपको दोनों ही वॉचेस में मिलता है, SpO2 मॉनिटर भी मिल जाता है, BP मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग का डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, कैलोरी बर्न, स्ट्रेस ट्रैकिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको मिलता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी मिलता है यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको फीचर्स की भरमार यहाँ पे लगी पड़ी दोनों ही वॉचेस। और अब बात करेंगे स्ट्रैप क्वालिटी बिल्ड मटेरियल के बारे में, तो यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोनों की, और बिल्ड मटेरियल भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे वेट की बात करते हैं, 55 ग्राम्स की आपको विकफिट मैक्स पड़ती है, और थोड़ा सा हल्की है ज़ेब्रॉइस की 1220 CH, 40 ग्राम्स की आपको पड़ती है। यहाँ पे स्ट्रैप साइज में भी डिफरेंस है, यहाँ पे विकफिट मैक्स में 20 mm स्ट्रैप साइज मिलता है, जितने भी 20 mm के स्ट्रैप साइज है आप मार्केट से रिप्लेस कर सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। ज़ेब्रॉइस में 22 mm स्ट्रैप साइज है, तो आप आफ्टर मार्केट का भी लगा सकते हो। यहाँ पे सिलिकन स्ट्रैप मिलता है दोनों ही वॉचेस में, तो ये भी है स्किन फ्रेंडली भी है, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है आपको। अब हम बात करेंगे मेन बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस की बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है। यहाँ पे एल्युमिनियम अलॉय का आपको जो डायल है वो मिलता है, और बेस दोनों का ग्लास्टिक का मिलता है, तो ये प्लस पॉइंट है। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं बिल्ड मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पे नो डाउट बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही वॉचेस अमेजिंग परफॉर्म करती हैं। और अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो आप यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी जो रिसेंटली प्राइस चल रहा है विकफिट मैक्स का 4300 रुपीज़ का है, और ज़ेब्रॉइस का 2800 रुपीज़ का है। बट अगर आप मेरी दी हुई लिंक से बाय करोगे अमेजोन की, तो आपको लो प्राइस में दोनों ही वॉचेस मिल जाएंगी, और मे बी आपको ज़ेब्रॉइस 2300-2400 रुपीज़ की मिल जाए, और विकफिट आपको अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो 4100 रुपीज़ तक की मिल सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की अमेजिंग वीडियो डीप डाउन रिव्यूज के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।